साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में निकल चुकी है। ये देशव्यापी परिवर्तन यात्रा है। 7 अगस्त मध्य प्रदेश से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। साथियों, मेरे सामने जो सभी युवा वर्ग जो बैठा हुआ है, मैं भी आप ही का उम्र का हूँ। नागपुर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ मेरा सेंटर है। मैं भी एक कर्मचारी था जिला परिषद में, अनट्रेंड टीचर के तौर पर जॉब थी, लेकिन पिछले 12 साल से सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र के लोगों की मानसिकता भी जानता हूँ, क्योंकि खुद हूँ उस उम्र में। इसलिए भूख सबको लगी होगी, खाना भी रेडी है, हम सब लोगों को खाना भी खाना है। ये मेरी चौथी सभा है आज के दिन की, अभी तक 3 सभा हो चुकी है, ये चौथी सभा है और आखिरी सभा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, हम सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन कुछ जो बातें हैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का वर्तमान का जो युवा है ये मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड डिसाइड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस गाइडलाइन में युवा रहना चाहिए था, वो जो हमें शिक्षा जो मिल रही है वर्तमान में, वो शिक्षा अकेडेमिक एजुकेशन है, हमें सोशल एजुकेशन नहीं मिला। और अकेडेमिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है माय एजुकेशन इज फॉर माय करियर। जो भी बच्चा पढ़ाई करता है करियर के लिए पढ़ाई करता है और वही करियर समाप्त हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो शिक्षा मिली वो माय एजुकेशन इज फॉर माय सोसाइटी थी। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे अम्बेडकर साहब ने सही कहा कि जय भीम का अर्थ त्याग होता है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी थी, तो बाबा साहब का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर विलायत में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक बच्चा बीमार था, तो रमाबाई अम्बेडकर ने एक चिट्ठी लिखी और बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी भेजी कि बाबा साहब बच्चा बीमार है, आप आ जाए। अगर मान लीजिए आज वर्तमान में कल्पना कीजिए, आज वर्तमान में अगर किसी का बच्चा बीमार है और टेलीफोन जाता है तो वो क्या करेगा? 10 काम होंगे ना, छोड़ देगा, पहले दौड़कर बच्चे के पास जाएगा। बाबा साहब विलायत में थे, चिट्ठी गई, बाबा साहब ने रिटर्न जवाब भेजा कि रमा, मैं तुम्हारा दुख और दर्द समझ सकता हूँ, एक माँ का मैं भी उस बच्चे का बाप हूँ, मैं जानता हूँ बच्चा बीमार है, पैसे नहीं है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ ये पढ़ाई मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ाई मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं आ पा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर वापस नहीं आए और बच्चा मर गया, बाबा साहब अम्बेडकर वापस नहीं आए बच्चा मर गया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को जो शिक्षा मिली ये माय एजुकेशन इज फॉर माय सोसाइटी, यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जो शिक्षा थी वो समाज के लिए। साथियों, ये बहुजन क्रांति मोर्चा की जो परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में निकली हुई है, इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम जी कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक है बहुजन क्रांति मोर्चा की।
सज्जाद रहमानी साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सिमरनजीत मान साहब जो अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रवीण दादा गायकवाड़ जो संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष है, और सालखन मुर्मू जी जो सेंगल आदिवासी अभियान के झारखंड के अध्यक्ष है। साथियों, इन सबके नेतृत्व में ये परिवर्तन यात्रा निकली है, ये देशव्यापी परिवर्तन यात्रा है। और जब ये परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में निकली हुई है तो हम लोगों के सामने बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात में मेरे नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा थी, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के उन्होंने हमारे परिवर्तन यात्रा की परमिशन नकार दी। तीन बार हम लोगों को जेल में डाला गया, फिर भी हम लोग रुके नहीं और हम लोग हमारी परिवर्तन यात्रा निरंतर जारी रखी। ये बात मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये बातें मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे लोग सर मारते, ये सर जो है पत्थर को टकरा देते। साथियों, पत्थर को अगर सर मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं होगा, सर का होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है वो देशव्यापी व्यवस्था है, यानी उत्तराखंड के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से गुलाम बनाकर रखा, उस प्रकार से सभी राज्य के लोगों को ब्राह्मणों ने गुलाम बनाकर रखा है। उनका गुलामी का जो तरीका है, गुलाम बनाने का जो तरीका है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री राश्य, अछूत, ऊंच नीचता, आदिवासियों का अलगीकरण, धर्म असुरक्षित, ये उनका तरीका देशव्यापी तरीका है। अकेला ब्राह्मण अपने आप में एक व्यवस्था है, ब्राह्मण अकेला है अपने आप में एक व्यवस्था है, और ब्राह्मण आइसोलेशन में कभी नहीं सोचता, ब्राह्मण ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों को गुलाम बनाता है। वो आइसोलेशन में नहीं सोचता, वो ऑर्गेनाइज वे में हमको गुलाम बनाता है। अगर उसका तरीका ऑर्गेनाइज वे में अगर हम लोगों को गुलाम बना रहा है और हम लोग अगर आइसोलेशन में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये पत्थर को सिर मारने वाला कार्यक्रम है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ना, आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले अकेले लड़ाई लड़ना, आइसोलेशन का मतलब होता है समाज को बाजू में रखकर लड़ाई लड़ना। वो ऑर्गेनाइज यानी संगठित तरीके से गुलाम बना रहा है और हम अलग अलग रहकर अपने आजादी के बारे में सोच रहे हैं। इस बात को हम लोगों को गंभीरता से साथियों सोचना है। ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली, क्योंकि पिछले 40 साल से समाज के लोग हमको सवाल पूछ रहे हैं कि ये वामसे के लोग भाषण देने का काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, करते तो कुछ भी नहीं। हमारे ऊपर एक सवाल होता है समाज का कि ये वामसे के लोग जो है 40 साल से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर को कुछ भी नहीं रहे। एक उदाहरण आपको समझाता हूं, चंद्रशेखर आजाद की, हिमालय के लोग हैं, मान लो सहारनपुर में मेरा कैडर क्या हुआ है, मेरा नाम प्रेम कुमार गिड़ा है, अगर उनका नंबर होगा तो आप पूछ लीजिए चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी कितने दिन तक जेल में, कोई बताएगा मुझे कितने दिन तक जेल में, कितने दिन तक, कुमार के नाम कितने दिन तक रहे, 14 महीने चंद्रशेखर आजाद जी रहे और वामन मिश्रा और प्रेम कुमार के नाम कितने दिन तक जेल में रहे, 24 घंटे भी नहीं। क्यों, 40 साल से लोग सवाल पूछ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जवाब आपको मैं बता रहा हूं। 40
साल से तीन बिंदु के ऊपर हम लोगों ने काम किया। पहला बिंदु कैडरबेस ऑर्गेनाइजेशन इस देश में बनाया। अगर आप जेल के बाहर अगर है तो ये कैडरबेस ऑर्गेनाइजेशन की देन है। लाखों लोग, 10 लाख लोग जेल भरो आंदोलन, ये कैडरबेस ऑर्गेनाइजेशन की देन। कैडरबेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखा गया? क्योंकि क्राउड हवा में बह जाता है। क्राउड जो होता है वो हवा में बह जाता है। कैडर किसे कहते हैं? जो विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेता है उसको कैडर कहते हैं। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया। दूसरे बिंदु के ऊपर हम लोगों ने काम किया, ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या पूरे देश की। समस्या एक जाति की नहीं है, समस्या 6,743 जाति की। मेरा ऐसा ही आवाज आएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे आवाज के ऊपर मेरा विश्वास है। माइक जो है डिस्टर्बेंस फैला। साथियों, जो बातें आप लोग थोड़ा शांत रहिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकता है आप लोगों के काम में आए। आप भी संगठन चलाते हो, मुझे यहाँ पे भीम आर्मी के लोग दिखाई दिए, इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी संगठन चलाने में वो बातें आप लोगों के ध्यान में आए। साथियों, कैडर उसे कहते हैं कि जो विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय ले। हमने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दूसरा, बाम से पिछले 40 सालों से ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या पूरे देश की है। ब्राह्मण अपने आप में एक व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज तरीके से वो गुलाम बना। समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या पूरे देशव्यापी समस्या है। इसलिए हम लोगों ने ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हमारा संगठन देशव्यापी संगठन होना चाहिए। समस्या एक जाति की नहीं है, हमारा संगठन 6,743 जातियों का होना चाहिए। आदिवासियों में 850 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1,750 जाति है, ओबीसी में 3,743 जाति है, जैनों में 237 जाति है, और कुछ जातियां एससी एसटी ओबीसी से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान लिंगायत बन गए, उनमें कुछ जातियां चली गई। भारत में 6,743 जाति है, तो हमारा 6,743 जातियों को जोड़ने वाला संगठन होना चाहिए। सफलता कैसे हासिल हो? सफलता के लिए 3 चीजें होती है। एक शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, दावपेज नेतृत्व के। और भारत में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जो 6,743 जातियां है, एक भी जाति देश भर में 1% नहीं। बहुत खास बात बता, एक भी जाति चमार भी पूरे भारत में 1% नहीं है, महार भी पूरे भारत में 1% नहीं है, जाटव भी पूरे भारत में 1% नहीं है। जारी चल रहा है। और बामसेफ के लोग हवा में कभी भी बात नहीं करते, जो तथ्य है वो बताते। गोली कड़वी होती है, बुखार की गोली कड़वी होती है, लेकिन बुखार गायब करती है। कोई भी जाति 1% नहीं है, लेकिन ब्राह्मण नाम की जाति 3.5%। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, प्लानिंग के साथ बनाया, कोई भी जाति उनकी जाति से परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज हम जाति का अगर संगठन बनाते हैं और जाति में अगर हम लोग काम करते हैं, तो पूरे देश भर में हमारी 1% जाति नहीं। अगर देश भर में 1% जाति नहीं है, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पहली बात, इसलिए ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, हम बांटे हुए लोग हैं। हम लोगों को जानबूझकर बांटा गया है। ब्राह्मणों के 2 षड्यंत्र है, 5,000 साल से वो चलाते आ रहे। पहला षड्यंत्र विभाजन, पहला षड्यंत्र विभाजन, जिसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। वर्ण व्यवस्था शूद्र और अति शूद्र विभाजन किया। जाति व्यवस्था 6,743 जातियां बनाई। तीसरा, ऊंच नीचता फैलाई। चौथा, अछूत बनाया। महिलाओं की दास्ता लाई, कर्मकांड लाई, धर्म असुरक्षित है, आदिवासियों का अलगीकरण है।
देवी देवता इस देश में निर्माण किए, विभाजन बता रहा है। ये विभाजन उनका हथियार है, हमको गुलाम बनाने का 5000 साल से चला रहे। दूसरा अज्ञानता, अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक है शिक्षित और दूसरा है जागरूक। हमें जो एजुकेशन मिला है ये अकेडेमिक एजुकेशन है, ये शिक्षित है। हम 10वीं पढ़े लिखे हो सकते, 12वीं पढ़े लिखे हो सकते, ग्रेजुएट हो सकते, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते, ये शिक्षा है, जागृति नहीं है। जागृति का पहला बिंदु और पहला पर्सपेक्टिव है टू आइडेंटिफाई और एनिमी, दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। साथियों, ये विभाजन जो उनका हथियार है कि विभाजन की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे और अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र समझ नहीं पा रहे। अज्ञानता क्या है? तो अमेरिका को कपड़े पहनने की अक्कल नहीं थी, तब भारत में विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी। भारत से दुनिया को ज्ञान जाता था, आज वो भारत कंगाल बन गया। दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नाम नहीं है। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए भारत का एक भी नहीं है। अज्ञानता। एक मिनट के लिए थोड़ा सोचिए, यहां पर सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक मिनट के लिए सोचिए। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूं कि अगर मेरा दादा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता तो आज मैं पीजी का स्टूडेंट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूं अगर मेरा दादा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता तो, मेरा दादा को फॉरेन एजुकेशन मिला होता तो, हमारे दादा आईआईटी आईआईएम के स्टूडेंट होते तो, हमारे दादा डॉक्टर वकील इंजीनियर होते तो, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो हमारे ब्रेन में कितना मेरिट होता। हजारों सालों से हमको उन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, हमारा मेरिट खत्म कर दिया। और मेरिट ही खत्म नहीं किया बल्कि हमें इतना अज्ञानी बनाकर रखा कि उनका षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण दो हथियार चलाता है, एक विभाजन और दूसरा अज्ञानता का, और ये दो षड्यंत्र हजारों सालों से वो चलाते आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग गुलाम है। जिस दिन हम लोगों को अवसर मिलेगा, ये दो षड्यंत्रों को उन्होंने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र। क्या कहते हैं? ब्राह्मण आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है और उसका उन्होंने नाम दिया ब्रह्मास्त्र। ये दो हथियार ही उनके ब्रह्मास्त्र है, विभाजन और अज्ञानता। जिस दिन अवसर मिलेगा वो ब्रह्मास्त्र ऐसी जगह डालेंगे हजारों पीढ़ियां निकल नहीं पाएगी। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा जो हम लोगों ने निकाली है, ये परिवर्तन यात्रा निकालने के पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो चीजें क्या है कि बाम से क्या कर रहा है, 40 साल से सवाल पूछा जाता है, समाज में अन्याय अत्याचार होता है, लोगों में बोलते हैं आप लोग तो रोड पर दिखते ही नहीं, हमें लोग बोलते, यानी गरीबी दुश्मनों ने निर्माण की, बेरोजगारी दुश्मनों ने निर्माण की, नौकरियां दुश्मनों ने खत्म की, आरक्षण दुश्मन खत्म कर रहा है, संविधान दुश्मन ने जलाया, ये हजारों समस्याएं दुश्मन निर्माण कर रहा है। भारत में हजारों समस्याएं दुश्मन ने निर्माण कर रहा है, यानी शरीर हमारा, ये ब्रेन हमारा, हमने किस बिंदु के ऊपर काम कर रहा है, करना है वो निर्धारित। बहुत खास बात बता रहा हूं, कितनी समझ में आई मुझे पता नहीं। हमने काम कौन सा करना चाहिए ये ब्राह्मण निर्धारित कर रहा है। तो क्या करता है? पुतले का उंगली तोड़ देता है। क्या करता है? तो हमारे 4-5 लोगों की पिटाई कर देता है गांव। क्या करता है? तो बहु बेटियों की इज्जत लूट देता है। क्या करता है? तो आरक्षण का मामला खड़ा कर देता है। क्या करता है? तो एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य कर देता है। क्या करता है? तो हजारों समस्याएं पैदा करता है। यानी शरीर हमारा, लेकिन हमने किस बिंदु के ऊपर आंदोलन करना चाहिए, हमने किस बिंदु के ऊपर जागरूक करना चाहिए, हमने किस बिंदु के ऊपर काम करना चाहिए, वो एजेंडा दे। इसके लिए मैं एक उदाहरण मेरे कैडर कैंप में हर बार बताते रहता हूं। दिल्ली में गटर है और गटर ओवरफ्लो हुआ है और गंदा पानी बाहर आया, वो गंदा पानी यूपी में आया, तो यूपी के लोगों को लगा कि ये गंदा पानी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए यूपी के लोगों ने मट्टी का बांध बांधा। आप मट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांध बांधो, पानी में एक गुण होता है, अपना चरित्र होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड के लोगों ने सोचा ये हमारे घर में नहीं आना चाहिए गंदा पानी गटर का, इसलिए मट्टी का बांध बांधा।
फिर पानी और दूसरे राज्य में गया, उनके लोगों ने मट्ठी का बांध बांधा। समस्या कहाँ पे? गटार में है। समाधान कहाँ पे कर रहे? मट्ठी का बांध बांध कर लोग समस्या का समाधान कर रहे। कैसे समस्या का समाधान? बाम से पिछले 40 साल से काम कर रहा है। हम लोग मट्ठी का बांध बांधना नहीं चाहते, हम लोग उस गटर को बदलना चाहते जिस गटर से गंदा पानी भारत में आ रहा है। यह अंतर है बामसेफ में। बामसेफ कैडरबेस ऑर्गेनाइजेशन को निर्माण किया, साथ में ब्रॉडबेस ऑर्गेनाइजेशन निर्माण किया। इस वजह से क्या हुआ, 40 साल के वामन मेश्राम जी के त्याग और समर्पण से आज 31 राज्य का संगठन बना, 550 जिला का संगठन बना, 5550 तहसील का संगठन बना, 12000 ब्लॉक का संगठन बना और भारत में 7,20,000 गांव है। आज 1.5 लाख गांव का संगठन बना और 3.5 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। वामन मेश्राम जी अकेले पूर्णकालीन प्रचारक थे इस संगठन के, आज 3000 पूर्णकालीन प्रचारक है और मेरे शरीर का बोलने वाले 2000 फटाके है। मैं उनको फटाके कहता हूं, मेरे शरीर का बोलने वाले 2000 फटाके है। अब आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। बामसेब को ब्रह्मा भी आएगा ना, ब्राह्मण छोड़ो, ब्रह्मा भी आएगा तो भी बामसेब को तोड़ नहीं सकता। साथियों, समाज का चरित्र जो है, समाज बहानेबाज समाज है, समाज क्राउड बेस्ड समाज है। अगर आपके पास अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो जब आपके ऊपर जब आपत्ति आएगी तो आपको साथ कौन देगा? कौन देगा साथ? आपके पास आपका संगठन नहीं है और आप खुदिया मार रहे हो, साथ कौन देगा? हमारे पास हमारा संगठन था, हमारा कैडर था, हमें विश्वास था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग बाहर आएंगे। देश भर में 550 जिला में जेल भरो आंदोलन शुरू। संगठन कॉमन मैन को अनकॉमन बनाता है। संगठन महाराष्ट्र का मासा कन्नमवार अंगूठा छाप व्यक्ति था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। कैसे बना? संगठन की वजह से, क्योंकि वो जिस संगठन में काम करता था वो चेला गांव का संगठन था। साधारण व्यक्ति को संगठन साधारण बना देता है। आप जिस संगठन में कार्य करते हो उस संगठन की जो विचारधारा है, उस संगठन की जो आइडियोलॉजी है, इसीलिए हमारे व्यक्ति ने यहां पर एक भाषण में कहा, सेंटेंस मैं सुन रहा था कि हम लोग बाबा को मानते हैं लेकिन बाबा की नहीं मानते, को और की। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे बिंदु के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने बातें कही। पहला बिंदु जिसके ऊपर समाज के लोग काम करते हैं, जाओ, बाबा साहब ने कहा, जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। 71 साल हो गए शासन करती जमात बने, हम लोग इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बने इसकी समीक्षा। दूसरा बिंदु बाबा साहब ने कहा, पॉलिटिकली पावर इज द मास्टर की, इट्स कैन ओपन टू एवरी लॉक। राज्य सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोलती है, इसके ऊपर हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो चाबी किधर है? अभी किसी को मिली वो चाबी? चाबी मिली किसी को? क्यों नहीं मिली? वो चाबी किधर है इसकी समीक्षा नहीं। तीसरी बात, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने कही, मुझे भारत गौतमय बनाना है, इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। बना भारत गौतमय? क्यों नहीं बना? कोई समस्या नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, 1916 में सार्वजनिक जीवन में आए और बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला एजिटेशन 1927 में किया महाड़ तालाब का। 16 और 27 11 साल। दुनिया का विद्वान व्यक्ति, उसको संघर्ष करने के लिए 11 साल लगते हैं, तो हम तो बाबा साहब शरीर के ऊपर विद्वान तो है। अगर दुनिया के विद्वान व्यक्ति को 11 साल लगते हैं तो हमें कम से कम 50-100 साल लगेंगे, हमें कम से कम 50-100 साल लगेंगे। बाबा साहब कितने विद्वान थे आप लोगों को जानकारी है? 2005 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 250 साल पूरे हुए थे। 250 साल के 250 छात्र चुने गए जिन्होंने समाज के लिए देश के लिए कुछ किया हो, लेकिन उनमें से 10 छात्रों को चुने गए। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्ल मार्क्स ने भी पढ़ाई की थी। कार्ल मार्क्स
उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे, 10 छात्रों में कार्ल मार्क्स भी था, लेकिन अवार्ड एक व्यक्ति को देना था और उस अवार्ड का नाम था फादर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का बाप। उसके सोनेरी पर्चे छापे गए, दुनिया में बांटे गए और वो अवार्ड मिला 2005 में एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहब। दुनिया का इतना विद्वान व्यक्ति 11 साल बाद लड़ाई लड़ रहा है और एक पत्थर पर लिख कर रख रहा है महान तालाब में, जिस पर हमारे लोग काम नहीं कर रहे। क्या लिख कर रखा? बात तो कही बाबा साहब ने, बात तो कही लेकिन लिख कर रखी कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो। क्या इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं? जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए समय देना पड़ता है, काम करने के लिए घरदार छोड़ना पड़ता है, काम करने के लिए माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं, काम करने के लिए बीवी बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, और हमारे पास तो समय है नहीं। जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, इसके लिए पैसे लगाने पड़ते। 26 जनवरी 1950 के पहले को अधिकार नहीं था, संविधान की वजह से रखने का अधिकार आया, तो हजम कैसे होगा? पैसे लगाने पड़ते हैं, जागृति का काम करना है। तो आज भी मैं कहता हूं, अगर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, अगर 50 से हमारे लोग अगर जागृति का काम करते, तो आज भारत के 1970 या 80 के दशक तक हम लोग हुक्मरान बन गए होते, राजे बन गए। लेकिन ये जागृति का काम किसी ने नहीं किया। बाबा साहब ने कहा घर के दीवार के ऊपर लिखो शासन करती जमात बननी है, इसके ऊपर हमारे लोग काम कर रहे। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकली पावर इज द मास्टर की, इट्स कैन ओपन टू एवरी लॉ, इस पर काम कर रहे। बाबा साहब ने कहा भारत बौद्धमय बनाना है, इस पर काम कर रहे। ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा जब जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखे। ये तब ना होगा। हम जागृति को छोड़ दिए और साथियों हम लोग जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो काम हम लोगों ने नहीं किया, और वो काम ना करने की वजह से ये सत्यानाश हो। तो हमने कौन सा काम किया वो भी एक उदाहरण आप लोगों को बताता। कॉमरेड शरद पाटिल की किताब पढ़ लेना, कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई थी तो कार्ल मार्क्स के अंतविधि में सिर्फ 16 लोग थे। बहुत खास बात बताए, कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई थी तब कार्ल मार्क्स के अंतविधि में 16 लोग थे, और बाबा साहब अंबेडकर की जब मृत्यु हुई थी और दिल्ली से जब प्रेत बॉम्बे लेके गया था तब लाखों लोग उपस्थित थे। और सुनी, मैं जो बातें बता रहा हूं, इंटरप्रिटेशन जो कर रहा हूं, जो तुलनात्मक हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी तब 16 लोग थे, बाबा साहब की मृत्यु हुई थी लाखों लोग थे। कार्ल मार्क्स के मृत्यु में 16 लोग थे, एक भी रो नहीं रहा था। बाबा साहब के मृत्यु में लाखों लोग थे, लाखों लोग रो रहे थे कि हमारा बाप चला गया, हमारा मसीहा चला गया। कार्ल मार्क्स के मृत्यु में जो 16 लोग थे, एक भी रो नहीं रहा था, और उन्होंने निर्णय लिया कि कार्ल मार्क्स का विचार पूरी दुनिया में फैलाएंगे। 16 लोग 16 पॉइंट पर फैल गए, आदि दुनिया में कार्ल मार्क्स का विचार है। जो लाखों लोग बॉम्बे में चैत्य भूमि पर इकट्ठा हुए, सारे रो रहे थे और रो रो के घर चले गए, और क्या किए? बाबा साहब अम्बेडकर का इतना फोटो बनाए, उसके सामने कैंडल जलाए और जय 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 भीम के नारे दिए, और बाबा साहब का आंदोलन रो रो के वहीं पे खत्म कर दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा साहब हमारे समाज में भक्त नहीं चाहते थे, अनुयायी चाहते थे। जो लाखों लोग इकट्ठा हुए वो भक्त थे, जो 16 लोग इकट्ठा हुए वो अनुयायी थे। भक्तों का काम है भक्ति करना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना, अनुयायियों का काम है महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करना। अभी आपको निर्णय लेना है, भक्त बनना है या अनुयायी बनना है। भक्तों का काम है भक्ति करना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना कि कोई आएगा और मेरी समस्या का समाधान करेगा। अनुयायियों का काम है महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करना। इसके लिए बाबा साहब का और एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भविष्य में कभी मुझे इस भूमि पर आने का मुझे आगे मौका मिलेगा तो जरूर मैं एक दिन का प्रशिक्षण शिविर
मुझे आप लोगों से कोई ये नहीं है जो बातें आगे बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों को काम कैसे करना है, आजादी कैसे हासिल करनी है, वो भी बताने जा रहा हूँ। आपका डंडा झंडा एजेंडा भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, बगैर छोड़े हुए क्रांति कैसे हम लोग ला सकते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो दादा अपने संगठन में जोड़ने की बात कर रहा है। मैं आपको इलाज भी बता रहा हूं कि आपका डंडा झंडा एजेंडा बरकरार रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, और वो पकड़ते हुए भी क्रांति कैसे ला सकती है, वो भी इलाज बता कर बात खत्म करूंगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का एक किस्सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे और मुंबई बॉम्बे जो दादर है, दादर के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई 14 अप्रैल। बाबा साहब जीवित है, पत्रक छाप दिए बगैर पूछे, और पत्रक लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहे कि बाबा साहब हम आपकी जयंती मना रहे हैं 14 अप्रैल, आप मार्गदर्शन करने के लिए आइए। बाबा साहब ने पत्रिका देखा और बाबा साहब ने कहा गदो मैं अभी जीवित हूँ और मेरी जयंती मना रहे हो, देखो कितने महान लोग हमारे। बाबा साहब ने कहा ऐसे फालतू के कार्यक्रमों में मैं नहीं आता। लोगों ने हाथ पैर जोड़े और कहे बाबा साहब एक बार तो भी आइए, लाखों लोग वहां पर आ रहे हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कम से कम मुझे पूछना तो चाहिए। बाबा साहब उस जयंती में गए और जयंती में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया। वो भाषण की एक लाइन आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे में कही। अभी किसी भी व्यक्ति का अधूरा कार्य कब पूरा होगा, जब उस व्यक्ति के पूरे कार्य के बारे में जानकारी होगी तब अधूरा कार्य पूरा होगा। क्या हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में जानकारी है? अगर होती तो कौन सा कार्य बचा हुआ है उसको ना पूरा करते। वहां पर एक पत्रकार मौजूद था, उस पत्रकार का नाम था गत्रे माडगोलकर, जो तरुण भारत का संपादक था। और गत्रे माडगोलकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक सिंपल सवाल पूछा, मिस्टर अम्बेडकर आपके आंदोलन की सफलता क्या है, आपके आंदोलन का अचीवमेंट क्या है, जिसके लिए आपने 4 बच्चे खोए, जिसके लिए आपने बीवी खोई, तो आपके आंदोलन का अचीवमेंट क्या है, आपके आंदोलन की सफलता क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब देते हुए कहा मेरे आंदोलन की सफलता है, पहली सफलता बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई, जो समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था, जिस समाज को जानवर नहीं पूछते थे, उस समाज को मैंने मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया, ये मेरे आंदोलन की पहली जीत है। दूसरी जीत बाबा साहब ने बताई, जिस समाज को झाड़ू मारने के लिए नौकर तक लोग रखा नहीं करते थे, उस समाज में मैंने विधायक और सांसद पैदा किए, ये मेरे आंदोलन की दूसरी जीत है। बाबा साहब ने तीसरी जीत बताई, जिस समाज को स्कूल के बाहर रखा जाता था, उस समाज में मैंने कलेक्टर पैदा किया। बाबा साहब ने चौथी जीत बताई कि जिस समाज को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, उस समाज को मैंने लाल बत्ती के गाड़ी में बिठाया, ये मेरे आंदोलन की सफलता है। बाबा साहब ने पांचवी सफलता बताई, जिस समाज के गले में मटका था, आज टायर लटक रही है, ये मेरे आंदोलन की सफलता है। पीछे झाड़ू था, कमर में बंदूक आ गई। हमारे लोग पुलिस इंस्पेक्टर बने या नहीं, हमारे लोग DYSP बने या नहीं, कमर में बंदूक आ गई, पीछे झाड़ू था। ये जब बातें मैं गुजरात में बता रहा था तो जो पुलिस मेरे प्रोटेक्शन में लगा था वो मेरी शूटिंग कर रहा, क्योंकि पुलिस लोग LIV वाले शूटिंग करते हैं कि कोई गलत बोले और हम सेक्शन ठोक दे, तो वो शूटिंग कर रहा था। और ये जब मैं बात बोल रहा था तो वो रोने लगा। मेरा भाषण खत्म होने के बाद मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि बोले हमने आप लोगों को गलत समझा, लेकिन आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ऊपर से ऑर्डर। तो मैं बोला ऊपर क्या है, ऊपर से किस ऊपर से ऑर्डर है साथियों? पीछे झाड़ू था, कमर में बंदूक आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पत्रकार को कहा कि ये मेरे आंदोलन की सफलता है, लेकिन मैं एक जगह विफल रहा हूं। और खास बात समझा, बाबा साहब ने कहा मैं एक जगह विफल रहा, तो पत्रकार ने पूछा बोले कौन सी जगह विफल रही? तो बाबा साहब ने कहा
समय के अभाव से और उम्र के अभाव से मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक जगह विफल रहा कि जिस समाज को मैंने इतने मौलिक अधिकार दिए, इस मूल निवासी बहुजन समाज के मनुवादी लोगों ने 6743 जातियों के टुकड़े किए। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इस मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने 6743 जातियों के टुकड़े किए। मैं एक जगह विफल रहा कि मैं 6743 जातियों का संगठन नहीं बना। अभी हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? बाबा साहब को, बाबा साहब की जय बोल रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा को मान रहे हैं या बाबा की मान रहे हैं। दुनिया का बाप कह रहा है कि मैंने बहुत कुछ अधिकार मेरे समाज को दिया, लेकिन एक जगह विफल रहा कि समय के अभाव से और उम्र के अभाव से जिस समाज में 6743 जातियां ब्राह्मणों ने निर्माण की, उन 6743 जातियों का मैं राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पाया। ये मेरा अधूरा कार्य है। मैं मेरे अनुयायियों को बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और इसके लिए जान की बाजी लगाओ। वाम से पिछले 40 साल से कोई नया काम नहीं कर रहा है, वाम से वही काम कर रहा है जो बात बाबा साहब ने कही कि ये मेरा अधूरा कार्य है 6743 जातियों का राष्ट्रव्यापी संगठन बना नहीं पाया। ये बाबा साहब का अधूरा कार्य वामसेव 40 साल से समाज में जागृति का काम कर रहा है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज 4200 जाति के लोग वामसेव से जुड़े हुए हैं। आपके सामने जो लड़का बात कर रहा है ये कोई महाराष्ट्र का शेड्यूल कास्ट नहीं है, मैं आदिवासी हूँ गोंड जाति का। यहाँ पे जितने हमारे कार्यकर्ता है संगठन के सारे लोग मुझे जानते हैं और ये मैं भाषण नहीं दे रहा, ये समझा रहा हूं। मेरा भाषण सुनना है तो यूट्यूब पर जाना होगा, मेरा नाम लिखना होगा प्रेम कुमार गेड़ा, वहां पे आपको 50-100-150 स्पीचेस मिलेगी, वो भाषण ये मैं आपको समझा रहा हूं। 4200 जातियों के लोग जुड़कर आज काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं इतनी ही बात बताने के लिए उदाहरण दिया कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगाओ। ये काम हमने नहीं किया, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में आगरा के रामलीला मैदान में कही, तब उत्तराखंड भी यूपी में था। आगरा के रामलीला मैदान में 18 मार्च 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर थे तभी लोगों ने जय जयकार करना शुरू किया, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा, कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि अनपढ़ों ने धोखा दिया, बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितने भी गद्दार हमारे समाज में पैदा हुए सारे के सारे पढ़े लिखे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि गद्दारी करने के लिए भी ब्रेन चाहिए ना, तो ब्रेन तो अनपढ़ों के पास है, ब्रेन तो पढ़े लिखे के पास है। दलाली करने के लिए भी ब्रेन चाहिए, दलाल तो अनपढ़ आदमी कर ही नहीं सकता। भड़वेगिरी करने के लिए भी ब्रेन चाहिए। 2500 साल से हम लोग गुलाम है, गुस्सा के बाद से क्यों गुलाम है, कभी इसका आप लोगों ने डायग्नोसिस किया है? 2500 साल से बुद्धा के आंदोलन के बाद में अगर हम लोग गुलाम है, सिर्फ एक ही वजह से कि ब्राह्मणों ने हमारे जाति जातियों में चमचे पैदा किए और वही चमचे चुनाव के दौरान हमारी जातियों को मैनेज करते रहते हैं और जातियों का सौदा करते रहते हैं, इस वजह से हम लोग आजाद नहीं हो। हम इस देश में आजादी का आंदोलन चला रहे हैं और कुछ लोग हमारे पैर खींचने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? एक ही वजह से ये काम कर रहा हूं, जो आरोप बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे ऊपर लगाया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को ये चैलेंज कर रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर कम से कम वो पढ़ा लिखा गद्दार ये प्रेम कुमार गेड़ाम नहीं है जो आप कह रहे हो, और साथियों 12 साल से काम कर रहा हूं। मेरा सेंटर लखनऊ है, लखनऊ से ऑल इंडिया घूमता हूं और मैं भी एक छात्र संगठन चलाता हूं, वामसेव की ऑफशूट भी गए, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का मैं नेशनल इंचार्ज हूँ। देश भर में विद्यार्थी, युवा और बेरोजगारों का राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करने का काम करता हूँ।
22 राज्य में हमारा संगठन कार्यरत है, वहां से 31 राज्य में। विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा का संगठन 22 राज्य में संगठन कार्यरत है। पिछले 12 साल से ये संगठन खड़ा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ और निर्णय लिया हूँ। जब से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, महाराष्ट्र में 42 दिन की परिवर्तन यात्रा की, उसके बाद में 30 दिन की बिहार में परिवर्तन यात्रा की, उसके बाद में 33 दिन की गुजरात में परिवर्तन यात्रा की, अब ये परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में चल रही है। ये हमारा पहला फेज है 6 महीने का और फरवरी महीने तक परिवर्तन यात्रा चलने वाली है। और निर्णय लिया कि ये प्रेम कुमार गेड़ाम 6 महीने तक घर नहीं जाएगा। साथियों, जो बात आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें हैं कि ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली। आज देश की हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है। आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में। संविधान 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में जलाया गया, भारत में कोई प्रतिक्रिया हुई? संविधान जलाया गया, कोई प्रतिक्रिया हुई? अगर पुतले की उंगली टूट जाती तो हमारे 15-20 लोग मर जाते, मर जाते या नहीं? अगर पुतले की उंगली टूट जाती तो हमारे 15-20 लोग मर जाते, लेकिन भारत में संविधान जलाया गया, 6 लाख गांव में कोई प्रतिक्रिया नहीं। साथियों, आज ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र हो चुका है। और ये बाबा साहब आम्बेडकर के सामने हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर 21 मई 1956 में, जब बाबा साहब आम्बेडकर को बैरट लॉ का जब किताब दिया गया लंदन में, तो बाबा साहब आम्बेडकर लंदन गए। वो किताब लेने के लिए, बैरट लॉ का किताब लेने के लिए लंदन गए, तो लंदन के लोगों को लगा कि दुनिया का इतना विद्वान व्यक्ति हमारे धरती पर आया है, तो इनसे कुछ मार्गदर्शन दिया जाए। इसलिए लंदन के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को कहा कि मिस्टर आम्बेडकर, हमें मार्गदर्शन कीजिए। बाबा साहब आम्बेडकर मार्गदर्शन करने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका नाम का एक रेडियो चलता था लंदन में, उस रेडियो पर जब भाषण देने के लिए गए तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा 21 मई 1956, और बाबा साहब ने कहा लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। वैल्यू नंबर 17 बाबा साहब आम्बेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती। सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती। और प्रेम कुमार गेड़ाम अपने अनुभव से कहता है, गुड़ के ऊपर अगर चीठा बैठ जाए तो वो गुड़ की रक्षा नहीं करेगा, गुड़ को खत्म करेगा। और ये खत्म किया हुआ उदाहरण हमारे सामने यूपी में दिखाई दे रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर कह रहे हैं 4 दिसंबर 1956 में, यानी मरने के 2 दिन पहले बाबा साहब आम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि अपने संगठनों में ब्राह्मणों को कभी भी आने मत देना। 4 दिसंबर 1956, दुनिया का विद्वान व्यक्ति आखिरी संदेश देकर जा रहा है, संगठनों में ब्राह्मणों को मत आने देना। पावापुरी नगरी थी, राजगीर का राजा पावापुरी नगरी पर हमला बोलता था। ये बिहार में है पावापुरी नगरी और राजगीर नगरी। बुद्धा पावापुरी नगरी जाते थे, वहां पे लिच्छवी गण के लोग थे, और बुद्धा लिच्छवी गण के लोगों को कहते थे कि ब्राह्मणों को मत आने देना। राजगीर का राजा हमला करता था, पावापुरी नगरी में यूनिटी थी, राजा हारता था, लेकिन ब्राह्मण में चाल चली और ब्राह्मण ने पावापुरी नगरी की एकता को खत्म कर दिया। उसके बाद में राजगीर का राजा युद्ध जीता। काशीराम जी कहते हैं एक ग्लास दूध में अगर एक बूंद नींबू का डाल दो दूध फट जाएगा। आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। लोकतंत्र 4 पिलर है, विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम। विधेयपालिका 3.5% ब्राह्मण, 5 राष्ट्रीय लेवल के दल, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, 85% बहुजन समाज के लोग, एक भी राष्ट्रीय लेवल का दल। 15% माइनॉरिटी के लोग, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान, एक भी राष्ट्रीय लेवल का दल। 3.5% ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय लेवल के दल। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है।
2009 में 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के पार्टियों के थे, आज 2014 में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के पार्टियों के है। विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण, एक जाति का नियंत्रण हो चुका है। दूसरी कार्यपालिका 72% आईएएस अधिकारी ब्राह्मण तथा तस्य उच्च जाति के। भारत में 750 जिला है, उनमें से 94 जिलों के कलेक्टर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मणों के। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में 98% जज ब्राह्मण, 36 में से 33 जज ब्राह्मण। हाईकोर्ट के 600 जजेस में से 582 जज ब्राह्मण है और 18 जज एससी ओबीसी माइनॉरिटी के। और भारत के इतिहास में हाईकोर्ट का अभी तक 71 साल में आदिवासी का जज नहीं बना। न्यायपालिका उनके नियंत्रण। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे टीवी चैनल ब्राह्मण बनियों के, प्रिंट मीडिया में सारे वर्तमान पेपर ब्राह्मण बनियों के, ट्रेडिशनल मीडिया में जिनको आप महाराज कहते हो, ये महाराज नहीं है, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बद्रम दल के पूर्णकालीन प्रचारक है। वोकल मीडिया में जैसे मैं शर्ट और पैंट पहनकर वामसेव के विचारधारा का, हमारे मूल्यवासी महापुरुषों के विचारधारा का मैं प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आरएसएस के शर्ट पैंट पहने हुए पढ़े लिखे लाखों पूर्णकालीन प्रचारक है। कॉलेजेस में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते, कैंपस में जाते, छात्रावास में जाते, जहां जहां हमारे छात्र होते, युवा होते, बेरोजगार होते, वहां वहां जाकर हमारे लोगों का ब्रेन चौपट करने का काम करते हैं। ये है लोकतंत्र में जात मिलन, एक जाति के नियंत्रण में। ये आंकड़ों के साथ सिद्ध होता है भारत में लोकतंत्र नहीं है, आज भारत में ब्राह्मण तंत्र प्रस्तापित हो चुका है। दूसरा, संविधान खतरे में है। संविधान में अधिकार है, संविधान में टोटल आर्टिकल्स 395 है, उनमें से 65 आर्टिकल्स हमारे हित और कल्याण की है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के। 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ, गांधी ने ऐलान किया बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खुले, अभी बंद है। बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे, चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2000 रुपए था, नेहरू ने और गांधी ने बाबा साहब के विरोध में बाबा साहब के ही जाति का चौथी फेल व्यक्ति खड़ा किया, उसका नाम है काजोड़कर, और 25,000 रुपए खर्चा किया, बाबा साहब को हराए। बंगाल में फजलुल हक की प्रजादर्शक पार्टी थी, वहां पे दो कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल और मलिक। जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी भेजी और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आप बंगाल आइए, हम आपको चुनकर भिजवाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल गए, बंगाल के 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खुलना, जसोर, फिरोजपुर, बोरिसा, ये 4 जिला से जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए, संविधान सभा का चुनाव मुस्लिम भाइयों ने और नमशूद्राय लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को साथ और सहयोग दिया। आज जितना भी बेनिफिट मिला है ना, जितना भी, क्या हमारे घर के बाप ज्यादा बाबा साहब के आंदोलन में थे? हमको जो बेनिफिट मिला है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर बैठा, मेरे घर का तो कोई नहीं था, बस अभी मैं निकला हूँ इस विचारधारा पर काम करने। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरे घर का कोई व्यक्ति बाबा साहब के आंदोलन में नहीं था, और यहाँ पर बैठे हुए मुझे नहीं लगता कि किसी यहाँ पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति होगा उसके घर का कोई बाप दादा बाबा साहब के आंदोलन में था, फिर भी बेनिफिट मिला। साथियों, गांधी की खोपड़ी हिल गई कि ये लड़ झगड़ने वाला व्यक्ति संविधान सभा में आया जरूर अधिकार लेकर रहेगा, इसलिए गांधी ने प्लान बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए गांधी ने भारत विभाजन का मामला सामने आया। भारत विभाजन का क्राइटेरिया था, जिस एरिया में 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए वहां पर 71% हिंदू थे, वो एरिया भारत में रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए वो 4 जिले गांधी ने पाकिस्तान को दे दिए और बाबा साहब को कहा, मिस्टर अम्बेडकर संविधान लिखना, पाकिस्तान का लिखना, क्योंकि बाबा साहब शरीर से भारत में थे और सदस्यता पाकिस्तान चली गई। संकट खड़ा हुआ, संविधान कैसे निर्माण हुआ भाई, अधिकार कैसे मिले, क्या संघर्ष करना पड़ा उस व्यक्ति को। एक आदमी अधिकार देने की बात कर रहा है और दूसरा आदमी उसका विरोध कर रहा है, एक नायक है और दूसरा खलनायक है।
बाबा साहब अम्बेडकर के जिस चार जिला से चुनाव जीत कर गए वो चार जिले पाकिस्तान को दे दिए, आज वर्तमान में बांग्लादेश में। और गांधी ने कहा मिस्टर अम्बेडकर संविधान लिखना है, पाकिस्तान का लिखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संविधानिक सुरक्षा नहीं देंगे। जब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में सात लोग थे, दो मर गए, पांच रहे, दो विदेश चले गए, तीन रहे, एक की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आता था, दो रहे, एक दिल्ली से दूर रहता था इसलिए नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो बातें आपको बताई जा रही है, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर, जब संविधान का निर्माण हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कम से कम 65 आर्टिकल्स बनाए, 65 आर्टिकल्स बनाए। संविधान में अधिकार है, 15,000-16,000 में नौकरी का अधिकार है। संविधान को बगैर हाथ लगाए प्राइवेटाइजेशन लाया, नौकरी खत्म कर दी, रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में है नहीं, उसी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरित कर दिया, रिजर्वेशन खत्म। संविधान में आर्टिकल 21-335 में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा महंगी कर दी, आज आप IIT IIM में नहीं जा सकते, आज आप हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकते, आज आप फॉरेन एजुकेशन नहीं ले सकते। संविधान में अधिकार है, बगैर हाथ लगाए शिक्षा महंगी कर दी। डॉक्टर बनना है MBBS 50 लाख रुपए फीस, MD बनना है 1 करोड़ 2 करोड़। संविधान में अधिकार है खत्म कर दिए। आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन और ओबीसी की पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने की, 52% ओबीसी है, 52 मिलना चाहिए, 27 दे रहे। अरे भाई कम से कम 27 तो दो, 52 को 27 दिया और सिर्फ 5.2% अभी तक रिजर्वेशन भरा ओबीसी, यानी 52 लोग घर में रह रहे हैं, कहा 27 को खाना देंगे, तो 52 लोगों ने कहा दो भाई कम से कम 27 को दो, लेकिन 5 लोगों को खाना दे रहे हैं और 52 लोगों को कह रहे हैं 5 लोगों के खाने में आप 52 लोगों को खाना, इसलिए झगड़े हो रहे हैं, इसलिए मराठा आरक्षण के लिए चिल्ला रहा है, इसलिए गुजरात का पटेल पाटीदार चिल्ला रहा है, इसलिए हरियाणा का जाट चिल्ला रहा है, इसलिए राजस्थान का गुर्जर चिल्ला रहा है, इसलिए बिहार का मल्ला चिल्ला रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी की है, 52 को 27 देंगे। संविधान क्या कहता है, एक ही डेफिनेशन में, संविधान की एक ही डेफिनेशन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ब्राह्मण ब्राह्मण है करके विरोध नहीं कर रहे, ब्राह्मण जाति है करके विरोध नहीं कर रहे, लोग बोलते ब्राह्मण के विरोध में आप बोलते रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण है करके विरोध नहीं कर रहे, ब्राह्मण जाति है करके विरोध नहीं कर रहे, ब्राह्मण विदेशी है और 3.5% ब्राह्मण 80% प्रतिनिधित्व लिए हुए है इसलिए विरोध कर रहे। अगर 3.5 लेते तो हम क्यों विरोध करते भाई। आज भी कह रहे हैं संविधान के ऊपर हम अमल करेंगे, संविधान कह रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 3.5% ब्राह्मणों को 3.5 मिलना चाहिए, बिल्कुल दो भाई 3.5। बाबा साहब ने आर्टिकल 341 बनाई शेड्यूल कास्ट के लिए, रिजर्वेशन का प्रावधान किया और जिसको अछूत कहा जाता था उसकी पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 341 में, शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब ने आर्टिकल 342 बनाई आदिवासियों के लिए, रिजर्वेशन दिया और बाबा साहब ने आदिवासियों की पहचान दी शेड्यूल ट्राइब। और SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए आर्टिकल्स बनाए, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमानों के लिए आर्टिकल 25 से लेकर 29 सुरक्षा का प्रावधान और अधिकार का प्रावधान। संविधान हमारे हित में है, लेकिन साथियों संविधान को चलाने वाले लोग हमारे ना होने की वजह से संविधान खत्म हो गया। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिदलीय जनतंत्र दिया, द्विदलीय जनतंत्र का मतलब होता है एक सत्ता में होगा दूसरा विरोध में होगा। बाबा साहब सोचते थे अगर सत्ता में अग्रे है तो विरोध में पिछड़े होने चाहिए, अगर सत्ता में ब्राह्मण है तो विरोध में यहाँ का मूलनिवासी बहुजन समाज होना चाहिए। लेकिन आज 71 साल के तथाकथित आजादी में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल BJP ने राज किया,
कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, और जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार, लालू जी, रामविलास जी, जीताराम जी बिहार तक सीमित, शुभु सोरेन, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, प्रकाश आंबेडकर, रामदास अठौले, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। उसके आगे जाकर कुछ कांग्रेस से बंधे हुए हैं, कुछ बीजेपी से बंधे हुए हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम हैं उनको आप अपना नेता मानते हो, मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अनपढ़ आदमी मान रहा है वो बात समझ लेंगे, तैयार पढ़े लिखे लोग भी नेता मान रहे हैं जो खुद कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम है। कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया 33 घटक दल, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन बनाया 34 घटक दल, कुछ कांग्रेस से कुछ बीजेपी से, त्रिधरीय जनतंत्र, जिनको आप नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए। उसके आगे जाकर जाति के नेता बन गए, मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादव का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, लालू यादव का नेता, रामविलास पासवान का नेता, जीताराम मांझी मुसर का नेता, शुभु सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, प्रकाश आंबेडकर महारो का नेता, रामदास अठौले महारो का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, हमारी बहन जी चमारो की नेता। गेम समझ में आ रहा है, खेल है सारा, खेल ही तो समझ में आना चाहिए। काम ज्यादा करने के बजाय थोड़ा करो, लेकिन वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करो, वे ऑफ लाइन में करो। काम ज्यादा करने के बजाय थोड़ा काम करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने घरदार छोड़ा, आपको घरदार छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में रहकर आप काम कर सकते हो, लेकिन काम वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आखिरी बात बताकर मेरी बात यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात यह है साथियों, जिसके लिए हम लोगों ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली, वो क्या है? 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रजा को दिया, राजा बनने का अधिकार प्रजा को दिया, और वो अधिकार है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 330-332 में दिया, वोट का अधिकार। वोट का अधिकार क्या है? वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वोट का मतलब क्या होता है? रानी को जो अधिकार होगा वही अधिकार मैत्रा, वही अधिकार नौकरानी को होगा। वन मैन वन वोट, अंबानी को जो अधिकार होगा वही अधिकार मजदूर को होगा। वन मैन वन वोट, अभी वन वोट वन वैल्यू का क्या अर्थ है? अंबानी के वोट के अधिकार की जितनी पावर होगी, अंबानी के वोट के अधिकार की जितनी कीमत होगी, वही कीमत और पावर मजदूर के वोट की होगी। इसे कहते हैं वन वोट वन वैल्यू। आज क्या है? वन मैन वन वोट है। घर से बाहर निकल कर जाओ बूथ तक, बटन दबाने का उसे अधिकार कहते हैं वन मैन वन वोट, वो है। लेकिन वन वोट वन वैल्यू मशीन ने खत्म कर दिया। अब जनता नहीं चुन रही है राजा, अभी मशीन राजा चुन रही है। दुनिया में कहीं पर भी वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं होता, सिर्फ भारत में वोटिंग मशीन पर चुनाव होता है। ये गड़बड़ी वाली मशीन है। अमेरिका में नहीं होता, जापान में नहीं होता, रशिया में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, ये बाजू वाला पाकिस्तान है वहां पर वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं होता, भारत में चुनाव होता है। दुनिया के 120 देशों में वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं होता, भारत में सिर्फ चुनाव हो रहा है। ये गड़बड़ी वाली मशीन है। 2004 में कांग्रेस ने गड़बड़ी की, 2009 में बीजेपी कांग्रेस ने फिर से गड़बड़ी की, यानी कांग्रेस ने दो बार गड़बड़ी कर चुनाव जीता। इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी ने दस्तावेज इकट्ठा किए, वो दस्तावेज हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को सवाल पूछा, आप कह रहे हो कि मशीन में गड़बड़ी होती है, इसमें सुधार के लिए आपके पास क्या पर्याय है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इसमें एक चीज का सुधार ला सकते हैं। जज ने पूछा कौन सा, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक उदाहरण बताया कि मेरे बला बला बैंक में 1,00,000 रुपए हैं, अगर मुझे पैसे निकालना है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, उतना समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं एटीएम मशीन पर जाता हूँ और एटीएम से जब मैं पैसे निकालता हूँ, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए निकाले तो एटीएम से एक स्लिप बाहर आती है और वो स्लिप मुझे बताती है कि आपने 10,000 रुपए निकाले, अभी 90
हजार रुपए आपके खाते में बैलेंस है तो इससे क्या होता है? तो एटीएम मशीन के ऊपर मेरा विश्वास होता है और जिस बैंक में मेरा खाता है उस बैंक पर भी मेरा विश्वास होता है। लेकिन ये जो वोटिंग मशीन है, ये वोटिंग मशीन की जब मतदाता बटन दबाता है सिर्फ आवाज आता है, वोट किसको गया पता नहीं चलता। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को 8 अक्टूबर 2013 को और चुनाव आयोग को कहा कि वोटिंग मशीन पर चुनाव करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा। अगर आपको स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी अगर चुनाव करना है तो वोटिंग मशीन के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। ये जब बात चुनाव आयोग को आदेश किया 8 अक्टूबर 2013 को तो 2014 को लोकसभा का चुनाव था, चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगानी चाहिए थी लेकिन चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई। मेरा सवाल है कि आपके एरिया में लगाई थी पेपर ट्रेल मशीन? पेपर ट्रेल मशीन का एक ही उदाहरण, ये ईवीएम मशीन, ये पेपर ट्रेल मशीन। अगर मान लीजिए घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, हाथी है, जो भी है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गधे की बटन दबाई तो पेपर ट्रेल से एक पर्ची बाहर आएगी और वहां पर छपकर आएगा गधा, यह है पेपर ट्रेल मशीन। अगर किसी ने कुत्ते की बटन दबाई तो पेपर ट्रेल मशीन से कुत्ता बाहर आएगा, घोड़े की दबाई घोड़ा बाहर आएगा, कमल की दबाई कमल बाहर आएगा, पंजा की दबाई पंजा आएगा, हाथी की दबाई हाथी आएगा, खटिया की दबाई खटिया आएगा, यह है पेपर ट्रेल मशीन। 2014 में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई और बगैर पेपर ट्रेल मशीन बीजेपी 283 सीटा जीत कर चली गई और नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन गया। कहते 56 इंच का सीना, झूठ बोल के जीना। अगर तेरा 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर पर चुनाव करना, डर क्यों रहा है? साइकोलॉजिस्ट देखे होंगे दुनिया में, आप लोगों ने सोशियोलॉजिस्ट देखे होंगे लेकिन दुनिया में फेकोलॉजिस्ट कभी आपने देखा नहीं। वो फेकोलॉजिस्ट दुनिया का भारत में पैदा हुआ, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या फेंका उसने? 15 लाख खाते में डालेंगे। उसने 15 लाख खाते में डाले, आपके आए नहीं। उसने काला धन विदेश से लाया, आपने देखा नहीं। उसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, आपने पी नहीं। कहता है मैं चौकीदार हूं, कहता है मैं देश का चौकीदार हूं, चौकीदार सो गया, विजय माल्या 9000 रुपए ला दिया। अगर आपके कॉलोनी में या आपके गांव में या आपके एरिया में आपने चौकीदार रखा और चौकीदार रहते हुए अगर चोरी हो गई तो क्या करोगे? चौकीदार का खदेड़ देंगे, हकाल देंगे। अगर आपके एरिया में चौकीदार रहते हुए चोरी हुई और उस चौकीदार को आप कह रहे हैं हकाल देंगे तो कम से कम 2019 में यह चौकीदार दिखना नहीं चाहिए, इसकी खबरदारी आप। साथियों, ये जो वोटिंग मशीन है, गड़बड़ी वाली मशीन है, चुनाव आयोग को आदेश देने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई। चुनाव आयोग को सब पार्टियां डरती है, चुनाव आयोग को सब नेता डरते हैं और चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं किया अभी तक। लेकिन ये तथाकथित आजादी के 71 साल में चुनाव आयोग के ऊपर एक लाल ने केस किया और उस लाल का नाम है वामन मेश्राम जी ने चुनाव आयोग के ऊपर केस किया और वामन मेश्राम जी ने चुनाव आयोग को कहा कि ये गड़बड़ी कर चुनाव जीत रहे हैं, पेपर ट्रेल मशीन इन्होंने नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई। कोई वकील है यहाँ पे? मेरे सवाल का जवाब खड़े हो, खड़े बोल दे, तो बोल दे, थोड़ा शांत रहिए, लास्ट एंडिंग है सर। आप वकील साहब, सर कोर्ट की अवमानना जब होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कितने महीने की सजा होती है? 6 महीने की, कम से कम, कम से कम 6 महीना। मैं वकील नहीं लेकिन मैं जनता का वकील हूँ, बामसेक का प्रोडक्ट हूँ, तो हर चीज जाननी पड़ती है, बराबर है वकील साहब? कंटेंट ऑफ कोर्ट जो करता है 6 महीने की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, चुनाव आयोग ने नहीं लगाई, ये कंटेंट ऑफ कोर्ट है और कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस वामन मेश्राम जी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि ये चुनाव आयोग ने कंटेंट ऑफ कोर्ट किया, इनको 6 महीने की सजा होनी चाहिए।
साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑर्डर दिया 24 अप्रैल 2017 को और चुनाव आयोग केस हार गया और वामन मेश्राम जी केस जीत गए, लेकिन किसी भी पेपर पर चर्चा नहीं। केस जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 8 अक्टूबर 2018 तक एनी हाउ कंडीशन आपको पेपर ट्रेन मशीन लगानी होगी। चुनाव आयोग ने दो बातें लिख कर दी, वो बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। हम दो बातें लिख कर दी चुनाव आयोग ने, जैसे आदेश मिला वैसे। पहली बात लिख कर दी, क्या लिख कर दी पहली बात, कि हम पेपर ट्रेल मशीन लगाएंगे लेकिन रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे। दूसरी बात, पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए हमें 3 साल का समय चाहिए। कितने साल? 3 साल। अभी 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट, 3 साल प्लस कर दो, 2019 का चुनाव निकल जाए, यानी 2019 में वो लोग पेपर ट्रेल मशीन बगैर लगाए वो चुनाव करना चाहते हैं, यानी फिर से गड़बड़ी कर बीजेपी को वो लोग जीतना चाहते हैं। साथियों, फिर से वो मुद्दा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस देश में 92% लोगों को कंप्यूटर समझ में नहीं आता, जिस देश में 92% लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल समझ में नहीं आता, उस देश में वोटिंग मशीन पर चुनाव हो रहा है। अमेरिका का 60 साल का आदमी और भारत का 60 साल का आदमी कितना डिफरेंट है ब्रेन में, एक हमारे गांव देहात का आदमी और अमेरिका का आदमी कितना डिफरेंट है, एक ही एज का लेकिन ब्रेन का कितना डिफरेंट, बड़ी चीज है। जब नोटबंदी हुई थी तब भारत की 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए गए थे कि हफ्ते में 2400 ही निकलेंगे। अगर 2,17,000 एटीएम मशीन सेट हो सकती है तो वोटिंग मशीन नहीं हो सकती। चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है, आपका वोट नहीं चुराया जा सकता। ये एंड्रॉइड मोबाइल, ये मोबाइल का फंक्शनिंग अगर दूसरे मोबाइल में देना है, छापा है, झेंडर है, सेरेट है, ब्लूटूथ है, मेल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है, पता चलता है सलमान खान बीच में नाचते हुए जा रहा है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है। ये मोबाइल है, ये मोबाइल पर अगर मैंने आपका नंबर कॉल फॉरवर्ड पर लगाकर रखा, आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? आज मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में गरीबी देख रहा हूँ, लाचारी देख रहा हूँ, भुखमरी देख रहा हूँ, लोग झोपड़पट्टी में रहते हुए देख रहा हूँ, बेरोजगारी देख रहा हूँ, नौकरियां खत्म होते हुए देख रहा हूँ, आरक्षण खत्म होते हुए देख रहा हूँ, एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य होते हुए देख रहा हूँ, मेरी उम्र में देख रहा हूँ, मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं। मैं खास बात बता रहा हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र में ये सारा सत्यानाश देख रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूँ आज 2018 में जो बच्चा 1 साल का होगा, जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा उसकी उम्र में क्या रहेगा? आज हमारी उम्र में ये सत्यानाश है उसकी उम्र में क्या रहेगा? तो आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही, क्या आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? अगर आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए तो फिर पसीना भी हमारा होना चाहिए और पैसा भी हमारा होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस बीजेपी से पैसे लोगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, अगर आप ब्राह्मण बलियों से पैसे लेंगे उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, अगर आप सरकार से पैसे लेंगे उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, अगर आप टाटा बिरला मफतलाल अंबानी से पैसे लेंगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि बोली बाबा साहब की चलनी चाहिए, आपको लगता है बोली जनता की चलनी चाहिए हमारी गुलामी खत्म होने के लिए और छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले हैं उनका भविष्य निर्माण करने के लिए, अगर आपको लगता है तो कम से कम ये व्रत जो है परिवर्तन यात्रा का, हम 2024 तक 6 लाख गांव तक पहुंचाने वाले हैं, ये रथ नहीं रुकना चाहिए। जिन जिन लोगों को लगता है